हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर पेंटिंग। आज लकड़ी के ऊपर डूको पेंट कैसे करते हैं ये हम इस पर हम बात करेंगे और पूरा प्रोसेस हम देखेंगे कि लकड़ी के ऊपर कैसे हम डूको पेंट करते हैं। जो मैं करने वाला हूँ वो मैट फिनिश है, अगर आप देखें तो ये वो है, ये करके आज हम देखने वाले हैं। लकड़ी के ऊपर करने का कोई प्रोसेस बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता है, बस थोड़ा सा क्या है कि हमें बेस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। डूको पेंट या पीयू पॉलिश करने के लिए दोनों कर सकते हैं, बस पीयू पॉलिश में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत होती है, डूको पेंट में भी होती है। डूको पेंट में भी हमें बेस तो अच्छा से बनाना ही होता है। तो लकड़ी के ऊपर करने का आज पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले जब आप लकड़ी को लेंगे तो लकड़ी के ऊपर आप पहले सैंडिंग करेंगे। 100 नंबर से कर लें, 150 नंबर से कर लें, अगर लकड़ी आपकी अच्छी है, सरफेस अच्छा है उसका, तो 180 से भी कर सकते हैं। नहीं तो लकड़ी की जो नॉर्मल हालत होती है उस पर आप 80 नंबर से सैंडिंग करें अच्छे से। इस तरह से आपको सैंडिंग करनी है इसकी। लकड़ी पर करने के लिए हमें जो बेस बनाना होता है वो बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है, और इसकी जैसे हम सैंडिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, इसके जो रेशे खड़े होंगे वो बैठ जाएंगे और इसका सरफेस बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। इस तरह से जैसे दबा के जैसे मलना है, जिस साइड में इसके रेशे हैं उस साइड में भी मल सकते हैं, क्योंकि ये तो रेशे का तो कोई मकसद रहेगा नहीं, क्योंकि हम इस पर क्लियर तो कर नहीं रहे हैं, हम तो इसके ऊपर वाइट पेंट करने वाले हैं, डूको पेंट करने वाले हैं कलरफुल। और बाकी जो दूसरे कोड में जरूरत पड़ेगा उसमें मंगा लें। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से सैंड कर लीजिए, सैंडिंग कर लीजिए इसके ऊपर, और इसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ कर लीजिए। सैंडिंग जितना आप करेंगे या जितना उसको सरफेस को स्मूथ कर देंगे उतनी अच्छी क्वालिटी आने वाली है। 80 नंबर लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर 180 नंबर से सैंडिंग कर रहा हूँ मैं। आप मशीन से भी कर सकते हैं, मैं हाथ से सिर्फ छोटा सा पीस है इसलिए कर रहा हूँ, आप मशीन से भी इसके ऊपर सैंडिंग कर सकते हैं। सैंडिंग करने के बाद आपको लकड़ी के ऊपर पट्टी खींचनी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पट्टी आपको किस तरह से खींचनी है। ये जो पट्टी आप खींचेंगे या रिपेयर आप इसको कह लीजिए या पट्टी कह लीजिए, पट्टी क्योंकि वे पूरे सरफेस पे खींचती है इसलिए हम इसको पट्टी बोलते हैं। आप रिपेयर भी कर सकते हैं लेकिन फिर आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा कहीं पर कोई रह ना जाए, इसलिए बेटर है कि आप पूरी पट्टी खींच दिए। तो ये दो तरीके से हो सकता है, आप चौक मिट्टी में फेविकोल डाल लीजिए तब उसकी पट्टी बना के खींच दीजिए, या फिर आपको आप सिंपल वुड फिलर ले लीजिए। मैं लकड़ी के ऊपर वाइट कलर का वुड फिलर है उसी की पट्टी खींच दूंगा। वो इसलिए मैं वाइट कलर की पट्टी खींचूंगा कि क्योंकि मुझे इसके ऊपर जो कलर करना है पहले सरफेस वाइट डालना है, तो उसके बाद मैं इस पर एक हल्का सा कलर है गोल्डन, लाइट गोल्डन, वो जो अभी दिखाया था मैंने आपको वो कलर करूंगा। तो मुझे वाइट फिलर भरने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मान लीजिए कुछ ऐसा कलर करना है जैसे ब्लैक करना है तो आप ग्रे पट्टी खींचेंगे। इस तरह से इसके ऊपर आप पट्टी खींच लीजिए। मैं तो पूरी पट्टी खींच रहा हूँ, आप चाहो तो इसको कम भी खींच सकते हैं, मतलब रिपेयर कर सकते हैं, जहाँ गड्ढे हो वहाँ पट्टी खींच लीजिए। मैं इसलिए पूरी खींच रहा हूँ क्योंकि मुझे ये छोटा सा ही पीस आपको करके दिखाना है, बड़ा पीस होता तो मैं रिपेयर करता इसकी, इतनी ज़्यादा पट्टी ऐसे नहीं खींचता। लेकिन अगर आप ऐसे पट्टी खींचें, आपको मतलब अगर ऐसा लगे कि मैं कर सकता हूँ, इसमें लेबर इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी मेरी, कोई अच्छा पेंटर हो तो वो तुरंत कर देगा इसको जल्दी जल्दी, अगर ऐसे पट्टी खींच लें तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आने वाली है आपके डूको की। तो मैं सजेस्ट तो यही करूँगा कि अगर आप कर सकें, आपको रेट ठीक मिल रहा है, तो आप इस तरह से पट्टी खींचें पूरी हर जगह से ऐसे भर के और खींच दें इसको। ये पट्टी का भी आप दो बार कर सकते हैं, एक बार करके फिर सैंडिंग करके दोबारा कर दीजिए, वो ज़्यादा शानदार रहता है। अब मैं तो एक ही बार करूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ आपको करके दिखाना है, मैं ये करूँगा उसके बाद फिर मैं सैंडिंग करूँगा इसकी। ये फिल कर लेता हूँ मैं इसको पूरा इस तरह से। जब आप पट्टी कर लें इसके ऊपर, फिर आपको इसके ऊपर सैंडिंग करनी है, बहुत अच्छे से सैंडिंग करनी है। आप 220 से अच्छे से सैंडिंग कर दें, 180 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप 180 यूज़ करेंगे रेगमाल तो उसके बाद आपको फिर 220 लगाना पड़ेगा, क्योंकि रेगमाल के 180 के रेगमाल के बहुत ज़्यादा निशान आ जाते हैं, आपको फिर भी 220 लगाना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप 220 से ही सैंडिंग कर दें। अगर काटने में आपको दिक्कत आए तो आप 180 से करके फिर हल्का हल्का सा 220 लगा दें, सरफेस उसका स्मूथ हो जाना चाहिए। रिपेयर करने के बाद ये मैंने यानी कि पट्टी खींचने के बाद मैं इसको अच्छे से सैंडिंग करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि सैंडिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जब हम रिपेयर करते हैं या पट्टी भरते हैं तो जो मरम्मत होती है वो बड़ी हार्ड होती है,
वो जम जाती है और वो खुरदरापन ले आती है। तो सैंडिंग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखिए जितना बुरादा ये निकला है इस छोटे से पीस में से, हमने कितनी सैंडिंग करी होगी, आप समझ सकते हैं इसको। तो हल्के से हाथ से, हालांकि ये पेंटर जो कर रहे हैं गलत तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आप सही तरीके से कीजिए। आप हथेली जो हमारा पाम है, हथेली है, उस पर रेगमाल लगाइए नीचे और उससे सीधे करके रगड़िए। जिस तरह से ये रगड़ने उंगली से, इस तरह से रगड़ने से क्या होता है कि उंगलियों के निशान बनते हैं। अभी तो ये बेस है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप टॉप पे ऐसे कर दें या बेस कोट के बाद ऐसे कर दें तो उसके निशान बनेंगे, वो सही तरीका नहीं है। तो कोई नहीं, आपको मैंने बता दिया सही कैसे करना है। ये फिंगर से कर रहे हैं, फिंगर से नहीं करनी होती है। तो आप अच्छे, लेकिन सैंडिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि इस पर जो भी एक्स्ट्रा मरम्मत या रिपेयर लगी हो, चाक या ओल्ड कलर जो भी आप लगाया, उसको साफ हो जाए अच्छे से। अब हम इसके ऊपर इपॉक्सी लगाएंगे। आप इपॉक्सी दो बार लगाइए, चाहे तो आप एक बार भी लगा सकते हैं डूको पेंट में, क्योंकि अगर आप दो बार इपॉक्सी लगाएंगे तो वो हायर साइड चला जाएगा, डूको पेंट का उतना प्राइस नहीं होता है। तो फिर भी आप, लेकिन एक बार आप लगा दीजिए हाथ से, और लगाने के एक से डेढ़ घंटे बाद आप इपॉक्सी लगाने के बाद फिर उस पर बेस कोट डालेंगे। अब मैं इस पर इपॉक्सी करने लगा हूँ। अब इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। आप यहाँ पर इपॉक्सी की जगह अगर आपको रेट कम मिले तो आप क्लाइंट को बता दें कि मैं इसमें कच्चा सीलर लगाऊंगा। कच्चा सीलर भी आप लगा सकते हैं, और इपॉक्सी वैसे लगाना तो इपॉक्सी चाहिए, क्योंकि अगर आप जो भी कलर कर रहे हैं ना उसमें कभी भी दाग धब्बे आने का खतरा हो सकता है। तो आप इस तरह से उस पर इपॉक्सी लगा दें। आपको दो बार इपॉक्सी लगानी है, एक बार लगाएंगे और फिर उसके बाद 15-20 मिनट बाद जब वो सूख जाए तो आप, या आधे घंटे बाद सूख जाए तो हल्की सैंडिंग करके दोबारा मारनी है। और मैं लेकिन इस पर एक ही बार मारूंगा इपॉक्सी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ आपको करके दिखाना है कि मैंने इपॉक्सी मारा है। या आप कच्चा सीलर भी मार सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस इशू वही लकड़ी के ऑयल का रहेगा। लकड़ी पर देखिए हमेशा वैसे इपॉक्सी करना चाहिए, कच्चा सीलर इसलिए लोग करते हैं ताकि पैसा बच जाए। खैर अब ये हो गया है, अब हम इसके ऊपर बेस कोट डालने लगे हैं। आपको बेस कोट दो कोट डालने हैं, पहले एक कोट डालेंगे, फिर 3-4 घंटे बाद जब वो सूख जाएगा उसकी सैंडिंग करके हल्की हल्की सेकेंड कोट डाल देंगे, फिर नेक्स्ट डे तक उसको छोड़ देंगे। अब हम इसके ऊपर बेस कोट डालने लगे हैं। बेस कोट मैं वाइट डालूंगा अगर, क्योंकि मुझे हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन करना है कलर। तो अगर आप, अगर तो आपको वाइट कलर करना है तो आप वाइट ही सर्फेसर लगाएंगे, या कोई हल्का लाइट कलर करना है तो वाइट ही सर्फेसर यानी बेस कोट डालेंगे। और अगर आपको कोई कलर करना है, मतलब कि जैसे मान लीजिए ब्लैक कलर करना है या कोई भी डार्क कलर करना है, तो आप ग्रे सर्फेसर यानी बेस कोट लेके आइए, आप वो इसके ऊपर डालिए। ग्रे कलर में भी आता है, मैं वाइट डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको लाइट कलर रखना है। ऊपर का जो टॉप कोट है वो लाइट कलर डालूंगा मैं इसके ऊपर। इस तरह से क्रिस क्रॉस करके आपको डालना है, एक लेफ्ट राइट, एक राइट हाइट से, एक टॉप से बॉटम, एक लेफ्ट से राइट, इस तरह से आपको कोट डालना है। कोट डालने के बाद ये फर्स्ट कोट सर्फेसर का जो डाला वो इस तरह से दिखेगा। अभी ये गीला है इसलिए ऐसा दिख रहा है, ये मैट हो जाएगा सूख के। अब इसके बाद आपको टॉप कोट डालना है। मैं टॉप कोट एक ही डालूंगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। आपको इसके ऊपर दो कोट लगाने हैं, और टॉप कोट दो लगाने ताकि अच्छी फिनिशिंग आए, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करें। तो अब टॉप कोट डाल के दिखाता हूँ आपको। अब मैं इसके ऊपर टॉप कोट डालने लगा हूँ। ये लकड़ी है, देखिए लकड़ी है ये, इस तरफ जो जिस पर हमने किया था लकड़ी है ये, इसके ऊपर हमने ये बेस कोट डाला था। अब हम इसके ऊपर टॉप कोट डालने लगे। मैंने एक ही कोट इस पर बेस कोट डाला है, आप दो कोट डालिएगा। इस तरह से पहले आप ये टक्करें मार लें, आपका जो भी ऑब्जेक्ट रहे वो उस पर आप ऐसे टक्कर मारिए पहले। टक्कर इसलिए कि जब ऊपर करेंगे पेंट तो नीचे साइडों का, मतलब साइडों में मारेंगे बाद में, अगर साइडें अगर बाद में मारेंगे तो ऊपर भी पेंट जाएगा, उससे बचने के लिए आप पहले साइडें मार लीजिए। आप जब भी देखिए इस तरह से आपको जो करना है दोबारा, तो वो इस तरह से करना है, पहले नीचे से फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं आएंगे, इस तरह से आपको करना है। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी काम में जब बेध्यानी होती है या तो कोई भी गलत तरीके से कर देता है फटाफट जल्दी जल्दी में, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब हमारे कोट पूरे हो चुके हैं, अब मैं आपको इसकी फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ। ये जो आउटपुट रहेगी ये मैट में है, मैंने मैट में जैसे आपको बताया था मैट में किया है मैंने। और आपको अगर ये ग्लोस करना है तो दो कोट मारने के बाद आप हल्की सी सैंडिंग कर देंगे,
हल्की हल्की सी करके और उसके ऊपर बफिंग पेस्ट लगा दें, ये इसके अंदर चमक आ जाएगी, अच्छा हो जाएगा। और ये है इसकी फाइनल आउटपुट, ये लकड़ी पर जो हमने किया है, ये देखिए ये लकड़ी है, इसके ऊपर डूको किया है। ये मैट फिनिश में है, अगर आपको थोड़ा सा इसमें ग्लॉस चाहिए तो आपको उसके लिए इसके ऊपर वो करना, थोड़ा सा आप क्रीम लगा दें और मतलब पेस्ट, बफिंग पेस्ट लगा दें और हल्की सी सैंडिंग कर दें, ये चमक जाएगा। ये मैट फिनिश में हमने किया इसलिए ये बिल्कुल मैट दिखेगा। ये है लकड़ी के ऊपर, जो जैसे कि आप देख रहे हैं लकड़ी के ऊपर हमने ये किया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।